जैन साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, जैसे कि आप जानते हैं, इस क्लासेस में हम फिजिक्स आपको कराते हैं और फिजिक्स के काफ़ी चैप्टर्स यूनिट्स हमने दो यूनिट्स हमने कंप्लीट करा दी हैं। यूनिट मेजरमेंट मोशन इस फिलहाल यहाँ पर हमारा चल रहा है। अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आप, हीट एंड टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था, जिसमें हमने क्या क्या आपको करा था। इक्विलिब्रियम पोजिशन मैंने आपको बता दी थी, मैंने आपको मेजरिंग स्केल्स बताए थे कि क्या क्या स्केल होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, है ना, केल्विन, ये तीन मेन बताए थे, बाकी के रिमर वगैरह भी बताए थे, उनका यहां पर कोई काम नहीं है, है ना। तीन ही हमारे यहां पर काम आएंगे, याद रखना। और तीनों में रिलेशन भी मैंने आपको बताया था, C बटे 5, F माइनस 32 बटे 9 और K माइनस 273 बटे 5। ये तीन रिलेशन आपको याद रखने, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चा, ये बात आप याद रखेंगे। आज की बात स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, देखो ताप मापने का यंत्र मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर होता है भाई। ताप को अगर आपको मापना हो तो ताप मापने का यंत्र क्या होगा, देखें जरा, ताप मापने का यंत्र, इसी से बात स्टार्ट करते हैं आज। थर्मामीटर, बात समझ में आ रही है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो तापमान को किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है। और यहां से एक बात याद रखेंगे, क्या ऐसे पॉइंट्स बना के चलेंगे आप एक एक करके और शॉर्ट नोट आपके बनाते रहेंगे। थर्मामीटर में पारा यानी कि मरकरी को भरा जाता है, आप जानते भी होंगे, अगर आपने थर्मामीटर देखा हो तो क्या करते हैं, उसको ऐसे झटक के यूं घुमा के और इसको ऐसा हल्का सा घुमा के देखते हैं, जहां पर भी कांच की पट्टी सी एक दिखाई देती है और जिस अंक पर वो पट्टी दिखाई देगी वही अंक आपका क्या कहलाता है, आपका टेम्परेचर कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अगर उस पट्टी की बात करें तो बच्चा क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। और पारा क्या होता है, देखो पारे को क्यों भरा जाता है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो थर्मामीटर में जब जब थर्मामीटर को जब जब ताप मिलेगा तो थर्मामीटर के अंदर जो पारा भरा हुआ है ना, वो उसका प्रसार होना चालू हो जाएगा। जितना ज़्यादा ताप मिलेगा उतना ज़्यादा पारे का प्रसार होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पर देखते हम लिखेंगे जरा क्यों भरा जाता है, इसके कारण क्या क्या है, देखेंगे जरा, क्योंकि एक एक करके इसके कारण लिखेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि पारा अत्यधिक चमकदार होता है, इसको नोट भी करते रहेंगे भैया, अत्यधिक चमकदार होता है, ये बात आप याद रखेंगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, पारा ही एक ऐसा है जिसको गर्म करने पर पारे का ऊष्मीय प्रसार होता है। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि क्या भैया, पारा जो होता है ना वो ग्लास यानी कि कांच की परत से नहीं चिपकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने थर्मामीटर से किसी का टेम्परेचर नाप लिया तो फिर उसके बाद वो थर्मामीटर बेकार हो गया, नहीं। आपने देखा होगा उसको पानी का छोटा सा होता है या पानी में धोके उसको आपको लगाते हैं और फिर दोबारा से पानी में धोके उसको रख देते हैं। जब पानी में धोते हैं तो क्या होता है, पारे को क्या मिलता है, पारे की गर्मी दूर हो जाती है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर पारा फिर दोबारा से जम जाता है जहां पर वो था। फिर जैसे ही आप किसी के मुंह में या बगल में लगाएंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा से उसको गर्मी मिलेगी और जितना ज्यादा गर्मी मिलेगी उतना ही क्या होगा बच्चा, उसका प्रसार होगा। वहां से हम नोट कर लेंगे कि कितनी गर्मी उसके अंदर है यानी कि कितना फीवर उसको हुआ हुआ है। समझ में आ रही है बात, चले जरा आगे की अगर हम बात करें तो याद रखना, नोट करके एक बात लिखेंगे भैया, मरकरी थर्मोमीटर का प्रयोग
लैब में किया जाता है। इसको नोट करके लिख लेंगे आप कि कहां पर किया जाता है इसका प्रयोग, याद रखेंगे आप, लैब में किया जाता है ना, ठीक है। और याद रखना कम से कम की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो याद रखेंगे आप माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ रहे हैं भाई, इतना टेम्परेचर ये नापेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका। चलो, और अगर मैं बात करूं अधिक से अधिक की, डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है, ये माप सकता है। बात समझ में आ रही है, यानी ये क्या होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसको नोट कर लेंगे आप, और ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, अगर 39 डिग्री से नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी। बात समझ में आ रही है, और इससे ऊपर ले जाएंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है, क्लियर रहेगी बात। चलें जरा, समझ में आ गई बात। इसी को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, क्वथनांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, और इसको हिमांक बोलते हैं। इस पर जमेगा और इस पर उबल जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात। चलें जरा आगे की अगर हम बात करें, तो याद रखना यहां से एक बात नोट करके लिखेंगे, क्या कम ताप मापने के लिए, ऐसा लिखे कम ताप मापने वाला यंत्र, अगर ताप इससे भी कम हो, माइनस के 39 से भी नीचे हो, तो बताना जरा किसका यूज करेंगे भैया। आप याद रखेंगे अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करेंगे, और याद रखना माइनस 39 डिग्री से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या करेगा, इसको मेजर कर सकता है। जितना 39 से नीचे जाने का मतलब समझ रहे हैं आप, 39 से नीचे जाने का मतलब है संख्या बढ़ेगी, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। समझ में आ गई बात। चलें जरा, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। चलो जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं भैया। चलें जरा अब बात कर लेते हैं 115 से भी नीचे, डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ताप मापने वाला यंत्र, 115 से भी नीचे आ जाए भैया, क्या रखेंगे, याद रखेंगे आप क्रायोमीटर। समझ में आ रही है बात, यानी कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, लो, वेरी लो बहुत ही कम तापमान, बहुत ही कम। समझ में आ रही है बात, 115 से भी नीचे चला गया। फिर दोबारा से सुन लेंगे आप भैया, मरकरी टेम्परेचर का यूज होगा लैब के अंदर, माइनस 39 से 355 के बीच में, 43 से नीचे की बात आए कम तापमान के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का यूज होगा, और उससे भी कम के लिए बच्चा किसका यूज होगा, याद रखेंगे आप क्रायोमीटर का यूज होगा, जो याद रखेंगे 115 से भी नीचे के ताप को क्या करेगा, आपको नाप के बताएगा। समझ में आ रही है बात, इतनी बात को आप याद रखेंगे। चलें जरा, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो चले आगे। चलो जी आगे की बात करते हैं, याद रखेंगे क्रायोमीटर से, बच्चा याद रखना क्रायोमीटर की अगर बात करूं तो 115 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस 223 नहीं होगा, ये 73 होगा, इसको ठीक कर लेंगे आप, माइनस 115 से माइनस 273 तक का तापमान इससे मेजर किया जाएगा। फिर दोबारा से सुन लें, मरकरी थर्मामीटर, उससे नीचे कौन आएगा अल्कोहल थर्मामीटर, उससे नीचे कौन आएगा क्रायोमीटर। समझ में आ रही है बात, इससे नीचे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। चलें जरा, इतनी बात क्लियर हो गई, और याद रखना क्रायोमीटर की अगर हम बात करें तो क्रायोमीटर में कौन यूज होती है, हाइड्रोजन गैस, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। क्रायोमीटर में किसका यूज होता है भैया, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं, जल्दी से देखिए जरा, चलो ये मैंने आपको लिखाया
हाइड्रोजन गैस का यूज किस में होता है, याद रखना, क्रायोमीटर में होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक बात और लिख लेंगे, क्या नोट डाल लेंगे आप इसी के नीचे, हाइड्रोजन गैस को अधिक गर्म करने पर यह लिक्विड में बदल जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चा ब्रह्मांड का न्यूनतम ताप जो काउंट किया गया है, कितने भी पर्वतों पर चले जाएं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। समझ में आ रही है बात? अगर आपको इसको केल्विन में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे बताना जरा, या करके आप इसको लिख सकते हैं। हमको पता है 200 जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड हो उसमें 273 ऐड कर दो और कट के जो आएगा वो क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता है। तो 0 केल्विन क्या होता है, समझ में, याद रखना, केल्विन। अगर केल्विन में पूछा जाए कि ब्रह्मांड का न्यूनतम ताप बताइए, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 0 केल्विन, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और याद रखना जितने भी अंतरिक्ष यान हैं उसको लिख लेंगे आप सभी, अंतरिक्ष यान में इंजन का प्रयोग होता है, और इस इंजन में क्या डाला जाता है याद रखेंगे, क्रायोमीटर। समझ में आ रही है बात? इस बात का आप याद रखेंगे, क्लियर है बात? चलें जरा आगे, क्रायोमीटर इंजन लिख लेंगे इसको आप, क्रायोमीटर इंजन डाला जाता है। समझ में आ रही है बात बच्चा? क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी जो भी मैं आपको करा रहा हूं। चलें जरा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना यहां से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे तो मैं बिग बढ़िया, मैंने इसकी शीट आपके लिए बनाई है, जी हाँ मैंने अभी बहुत बढ़िया शीट इसके लिए बनाई है, जिसमें 2021 के 2018 के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एक से एक और एलसीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस, ये 4 से 5 एग्जाम है आपके जो हर कोई बच्चा देता है। समझ में आ रही है बात? ये सब उसके अंदर आएंगे, बाकी से नीचे के जितने एग्जाम है वो तो सब कवर हो ही जाएंगे। जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं बच्चा, तो उसके नीचे के जितने भी आएंगे सब उनके सामने बच्चे लगेंगे। समझ में आई बात? तो अगर बात करें आपसे क्या अंतरिक्ष यान में एयर जेट की बात करें तो कौन सा इंजन लगता है, क्रायोमीटर लगता है। क्रायोमीटर कौन सा इंजन होता है जो -115 से 273 के बीच में काम करेगा, और इसके अंदर क्या भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, और हाइड्रोजन गैस को अगर आप गर्म करेंगे तो वो क्या बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। ये बात आप याद रखेंगे क्रायोमीटर इंजन के बारे में। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये इंजन की अगर हम बात करें तो याद रखना इसे पहले भारत, याद रखना रशिया की मदद से बनाता था, या आप ऐसा समझिए रशिया से ही आता था, है ना, मदद की तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, रशिया से ही बन के आता था। समझ में आ रही है बात? लेकिन परंतु वर्तमान में स्वयं इसका निर्माण कर रहा है। समझ में आ रही है बात? खुद अपने आप इसका निर्माण कर रहा है, किसका, क्रायोमीटर इंजन का, याद रखेंगे आप। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया, और इसमें क्या होता है याद रखना, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, फ्यूल के रूप में यूज होती है। अगर इसका फ्यूल पूछा जाएगा आपसे, फ्यूल, तो याद रखना इसका फ्यूल कौन होता है, हाइड्रोजन गैस। सवाल पूछ लिया जाता है, पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको बता रहा हूँ ग्रुप डी में ऐसे ऐसे खतरनाक दिखने वाले सवाल जरूर पूछे जाते हैं, अगर आप तैयारी कर लें तो आपको बिल्कुल भी घूमने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रही है बात भैया? तो इस क्रायोमीटर इंजन के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको दी है, तो आशा है आप इन तैयारी को बहुत अच्छे से रखेंगे, और जो चीज़ों को मैं जिस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। समझ में आ रही है बात? चलें जरा आगे की अगर हम बात करें बच्चा, तो याद रखेंगे आप
अगर हम बात करें काफ़ी अधिक तापमान, ये तो कम चल रहा था अब तक, अब बात करते हैं अधिक की। काफी अधिक तापमान मापने वाला यंत्र की अगर हम बात करें तो कौन होता है? पाइरोमीटर, जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को क्या कर ले भैया? नोट कर ले। समझ में आ रही है बात? पाइरोमीटर। क्लियर है इतनी बात? चले जरा आगे की बात कर लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया भैया? तो क्रायोमीटर इंजन समझ में आ गया, कम से कम ताप, हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में यूज होगी। अब भारत इसको खुद बनाता है, ठीक है। अंतरिक्ष यान में सभी में क्रायोमीटर होता है। बात करें अधिक से अधिक ताप की, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बहुत ज्यादा, 100 पर पानी उबलने लगता है, और यहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, तो उसको कौन नापेगा? याद रखना पायरोमीटर इसको काउंट करेगा। चले बच्चा आगे की बात कर लेते हैं, इससे आगे बढ़िया बढ़िया सवाल इसके बारे में है। देखेंगे जल्दी से जरा आगे क्या बात बताई गई। देखो जी, ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि याद रखेंगे आप, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। समझ में आ रही है बात? एक एक बात पॉइंट को लिखते चलेंगे और बातों को समझते रहेंगे। चलें जरा, स्क्रीन एकदम क्लियर है? वाह जी वाह, मजा आ गया। चलें जरा बच्चा, कोई दिक्कत हुआ करें ना तो आप मैसेज कर दिया करें, वहाँ से हम इसको ठीक कर लेंगे। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसको भी आप बता सकते हैं, सीधा नंबर पर कॉल करके हम उसको करेक्शन कर लेंगे। जो भी आपका सुझाव होगा उसके आगे सजदा झुकाया जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? चलो अच्छा, आपको समझ में तो आ रही होंगी ना चीज़ें। देखो ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ या ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। समझ में आपकी आना चाहिए। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों कमियों को बताएं, जिससे कि हम उन कमियों को दूर कर सकें। समझ में आ रही है बात? इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। जब तक बताएंगे नहीं तब तक कमियां दूर नहीं होंगी और कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। चलें जरा ऊर्जा टाइप्स की बात कर ले अगर हम, तो याद रखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया नंबर एक, कंडक्शन मेथड। यानी कि याद रखेंगे आप चालन विधि। चले भैया क्या बताया इस विधि में, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो इसको लिख लेंगे आप सभी ठोस पदार्थ जैसे लोहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या क्या मैंने बताया? लोहा बताया, कॉपर बताया आदि, सभी जितने भी कैसे हैं ठोस पदार्थ हैं, ये सभी कैसे होते हैं भैया? गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। अब चालन विधि का मतलब क्या है? हीट को ट्रांसमिशन कैसे किया जाए, हीट का स्थानांतरण कैसे किया जाए? तो याद रखना जब इनको गर्म किया जाएगा तो इसी के कारण ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली एलिमेंट हमने यहां पर लिए हैं, तो अणुओं की गति न होकर केवल ऊष्मा नांतरित होती है। हमने देखा ना चीजों को गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल भागते रहते हैं, लेकिन जो ज्यादा हाई वाले प्रोडक्ट हैं उनमें क्या होगा बच्चा? याद रखना अणु नहीं चलेंगे, लेकिन क्या होगा? ऊर्जा का स्थानांतरण जरूर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर जरूर हो जाएगा। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, नंबर दो आता है
कन्वेक्शन मेथड यानी कि सम्मेलन विधि, कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन सम्मेलन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देखो अब क्या बताया, जितने भी लिक्विड और गैस हैं सभी द्रव व गैस ये भी क्या होते हैं भैया, गर्म होते हैं, समझ में आ रही है? ये भी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होते हैं। और याद रखना इनमें अणु गति करते हैं, गर्म तो दोनों होते हैं, समझ में आ रही है बात? लेकिन याद रखना जिनमें अणु गति नहीं करेंगे उनको चालन विधि कहते हैं, और जिनमें गति करेंगे उनको क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में पानी, ये इसी का एग्जाम्पल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर इतनी बात? और थर्ड बात की अगर हम बात करें बच्चा, तो देखना जरा, थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड होता है आपका रेडिएशन मेथड, यानी कि विकिरण माध्यम। ये कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा सूर्य से किरणें कहाँ आती हैं, पृथ्वी तक होकर आती हैं। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हैं आप, रेडिएशन मेथड क्या होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स ही क्या होती हैं, ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा, ये वेव्स ही क्या करती है भैया, ऊर्जा को आगे लेके जाती है, इनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रही है बात? चलें जरा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई तो चलें आगे भैया। चलो जी देखो जरा, इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम, जल्दी से देखें जरा। और पॉइंट हमारे क्या क्या हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, और फैक्ट क्या क्या हैं ये आप देख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, डस्टर से पूरा क्लियर नहीं हो पाता है ना, और ये इससे, जी हाँ पुरानी चीज़ पुरानी होती है ना। चलो देखिए जरा, कुछ नोट डालेंगे आप, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए भैया नंबर एक की अगर मैं बात करूं तो पहला बिंदु क्या है, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे वो आपको बताने होंगे। पहला क्या बताया गया, हवा गर्म होती है, ऐसे पेपर में एग्जाम आएंगे याद रखना, हवा गर्म होती है। तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो मैंने आपको बताया क्या, चालन यानी कि कंडक्शन, एक बताया संवहन, कन्वेक्शन, और तीसरा बताया भैया रेडिएशन यानी कि विकिरण। इन तीनों में से एक आपको बताना है। देखना जरा, हवा गर्म होती है, किस किस के द्वारा गर्म होगी जल्दी से बताएं भैया। एक तो क्या होगा, हवा चलेगी, कण इधर उधर होंगे, कण किस में चलते हैं बोलो, संवहन में, किस में चलते हैं संवहन में, यानी आप इसको लिखेंगे क्या, कन्वेक्शन। हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखना, कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन याद रखेंगे आप। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, नंबर दो है तालाब का पानी गर्म, जल्दी से बताएं भैया, पार्टिकल भागेंगे इधर उधर, कन्वेक्शन हो गया, और गर्म होने का मतलब उसके ऊपर क्या डाली, सूर्य की किरणें, क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। समझ में आ रही है बात, ये एग्जांपल आएंगे पेपर में। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं क्या,
सूर्य की गर्मी से पृथ्वी गर्म, जल्दी से बताएं, सीधा सीधा समझ में आ रहा है रेडिएशन भैया। अभी अभी बताया ना मैंने कि सूरज की गर्मी जो आएगी पृथ्वी के ऊपर वो किसके द्वारा आएगी, विकिरणों के माध्यम से। नंबर चार की अगर मैं बात करूं, सूर्य की गर्मी आने की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की गर्म होने की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, जल्दी से बताएं जरा क्या होगा। देखो आ रहा, अच्छा देखो देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक गलती होगी, एक बात ध्यान रखना, सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी तक लेकर आएगा उसको बोलेंगे रेडिएशन यानी विकिरण, इसको क्या बोलेंगे, विकिरण, जो इसको लेकर के आएगा। और सूर्य की गर्मी से जो पृथ्वी गर्म होगी उसको बोलेंगे आइसोलेशन यानी सूर्य ताप। सूर्य ताप विधि, इनको दोनों को याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, नंबर पांच की अगर मैं बात करूं तो नंबर पांच में क्या बोला गया, सूर्य के ताप को मापना, कौन मापेगा जल्दी से बताएं, कौन मापेगा, बोलोमीटर, कौन नापेगा जल्दी से, एक क्वेश्चन आए हुए याद रखना, सूर्य के ताप को जो मापने का काम करेगा वो कौन करेगा, बोलोमीटर करेगा, और सूर्य के प्रकाश को जल्दी से बताएं, सूर्य के प्रकाश को मापने का काम कौन करता है, फोटोमीटर, फोटोमीटर करेगा, कौन करेगा, फोटोमीटर करेगा, और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापना कौन मापेगा जल्दी से बताएं, एक्टिनोमीटर, समझ में आ रही है बात, एक्टिनोमीटर क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा, क्लियर है इतनी बात, चलें जल्दी से एक बार इनको रिवाइज कर दें फिर आगे चलते हैं, जल्दी से चलें जरा, समझ में आ रहा है आपको, हवा गर्म होती है ये किसके द्वारा होती है, कन्वेक्शन रेडिएशन के द्वारा, संवहन और विकिरण के द्वारा, तालाब का पानी भी गर्म होगा कन्वेक्शन रेडिएशन के द्वारा, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी गर्म होगी आइसोलेशन विधि, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी तक आना रेडिएशन, सूर्य के ताप को मापना बोलोमीटर, सूर्य के प्रकाश को मापना फोटोमीटर, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापना एक्टिनोमीटर। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जल्दी से बताएं जरा, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को मापना क्या होगा, एक्टिनोमीटर होगा, समझ में आ रही है बात। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो इससे आगे एक बात नोट करके और लिखेंगे भैया, फिर हमारा आज का लगभग लगभग काम एंड हो जाएगा, जल्दी से एक बात और नोट कर लें, हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक हीट, ऊष्मा की भी विशिष्ट ऊष्मा। देखो बच्चे याद रखना, कुछ बच्चे साइंस साइड के होंगे जिन्होंने 11 ट्वेल्थ में साइंस पढ़ा होगा, 11th में आपने हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा है, वो टेम्परेचर यहाँ पर किसी काम का नहीं है, इतना डीप आपको नहीं जाना है पढ़ाने को, तो ये मैं आपको इतना ज़बरदस्त पढ़ा सकता हूँ कि बेटा 15 दिन तक ये ख़त्म नहीं होगा, 15 दिन तक ये चलेगा, लेकिन इतना डीप हमको नहीं जाना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही ना बने उसको पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने उन क्वेश्चन को अच्छे से मेजर कर लिया है, लास्ट ईयर के 6 ईयर के क्वेश्चंस मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद मैंने ये नोट्स आपके बनाए हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलें जरा, बिना देखे मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना, मैंने भी पहले सिलेबस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ा है, उसके बाद मैं टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, तभी तो मैं आपको उस पॉइंट पर जोर दे रहा हूँ जहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखना, अगर आपसे पूछा जाए विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है तो जल्दी से बताएं जरा, याद रखेंगे आप भैया, 1 ग्राम, क्या बताया मैंने आपको, याद रखेंगे 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड
बढ़ाने के लिए। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। समझ में आ गई बात? बस ये याद रखेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस लेना है और 1 डिग्री हमको टेम्परेचर बढ़ाना है। समझ में आ गई बात? और उसी को क्या बोलेंगे बच्चा? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलें जरा, क्लियर हो गई बात? चलो जी, समझ में आ गई बच्चा? तो देखेंगे, पार्ट 2 हमने यहाँ पर एंड कर लिया है। इसके बाद हम मिलेंगे कल पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम आपको कराएंगे इसके ऊपर बेहतरीन सवाल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। दोस्तों याद रखना, जो चैप्टर के एंड होने के बाद जो मैं प्रीवियस ईयर की एक सीरीज लेकर के आता हूँ, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं, उसको बहुत पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो समझ लेना जितनी भी थ्योरी मैंने आपको कराई है उस सारी की सारी कामयाब है। समझ में आ रही बात? तो बच्चों आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं ये जरूर कमेंट करें और मुझको जरूर बताएं। दोस्तों पूरी की पूरी टीम बड़ी मेहनत के साथ लगी हुई है और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं और हमारे चैनल के बारे में बताएं। और हमारे चैनल में जो भी आपको दिक्कतें समझ में आ रही हों या जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जैसे ये यूनिट हमारी एंड हो जाएगी अब कल को, तो दोस्तों कमेंट में लिख दिया करें आपको नेक्स्ट यूनिट क्या चाहिए, उस पर हम काम कर लेंगे, कराएंगे तो हम सारा आपको। लेकिन उससे आप ही का फायदा हो जाएगा, आपके एग्जाम्स नियर अबाउट है, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारा चैनल अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो इतनी जल्दी हम कवर अप नहीं कर सकते थे, है ना, प्रीवियस ईयर को। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी कोशिश बन पा रही है, मैं मेन मेन टॉपिक उठा रहा हूँ और वहाँ से आपको चीज़ें बताता चल रहा हूँ। इससे अलग एक सीरीज हमने और चला रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं 2021 के, 2018 के, NTPC और ग्रुप डी के। उस सीरीज को जरूर देखें, देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।